हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम लोग फिर से एक नई गेम का गेम प्ले लेके आ चुके हैं। तो हमारे पास फाइनली आ चुकी है स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स पीसी में। तो आज हम इसी का गेम प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि आज इस गेम प्ले में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे भी मैं काफ़ी वक्त से इसकी वेट कर रहा था, फाइनली ये पीसी में रिलीज हो चुकी है। वैसे हमारी स्पाइडरमैन रिमास्टर ही अभी तो पूरी नहीं हुई, उसका भी गेम प्ले शुरू ही है, लेकिन वो भी अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो फाइनली गेम शुरू हो चुकी है और इसका रिकैप दिखा रहे हैं, वो देख लेते हैं क्या हुआ था स्पाइडरमैन रिमास्टर में। I couldn't believe he was gone. But Peter Parker and his Aunt May, they were there for me. And so was Spider-Man, who I later found out was Pete. Crazy, right? Then when the Devil's Breath crisis started, things got intense. It seemed like all of Spidey's villains were on the loose. I managed to do my part to help him out. And after all that, believe it or not, a spider bit me. And I started to change. I didn't want to worry my mom, so I went to Pete. And now, we're officially Spider Bros. He's been training me up, and I'm actually getting pretty good with this whole web-swinging thing. I'm still learning to juggle this responsibility with everything else in my life. School, friends, a new home. I moved to Harlem a few weeks back. But I'll tell you, I can't wait to see what the future holds. तो ये सब हुआ था स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड में, जिसमें से काफ़ी सब तो मिशन में हमारा आ चुका है और इसमें भी हम लोग फ्रेंडली रखेंगे। हम कहीं इतने ज़्यादा बड़े प्रो प्लेयर भी नहीं है, वैसे प्रो प्लेयर होके खेल तो सकते हैं लेकिन उसमें काफ़ी वक्त चला जाएगा, क्योंकि एनिमी थोड़े से हार्ड आते हैं, फिर ज़्यादा हार्ड करते हैं लेवल। तो और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारी ग्राफिक्स अल्ट्रा पे ही रखी है, जो मैक्स सेटिंग था इसका वही रख दिया है। देखते हैं इसकी भी ताकत देख लेते हैं, वैसे ताकत तो दिख ही रही है पीसी की, मेरे चला रहा है गेम तो काफ़ी अच्छे से चला रहा है। और गेम प्ले में मुझे लगता है कि ये 60 FPS देगा, जिस तरह से रिमास्टर में दे रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली गेम प्ले के अंदर। मैंने ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखी है, लेकिन बस कुछ सेटिंग जो सब सेटिंग हाई पे थी उनमें से कुछ सेटिंग को मैंने अल्ट्रा कर दिया है। तो हमारी गेम शुरू हो चुकी है, पहले तो मुझे लगता है सारी स्टोरी आएगी इसमें, थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है इस गेम में। और ग्राफिक्स तो वाकई काफ़ी इम्प्रूवड है इसमें, स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड के भी नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स थे और माइल्स मोरेल्स के तो उससे भी थोड़े इम्प्रूव कर दिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आराम से 40 FPS मेरे पीसी में तो निकाल के दे रही है, और अभी तो 60 पकड़ लिए। ओहो, क्या ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स तो अब पता चले कि क्या है इसके, नेक्स्ट टू रियलिज्म है, बिल्कुल ज़बरदस्त ग्राफिक्स है इसमें। इनके जो ये कलर है, कलरफुल गेम है ये, काफ़ी कलरफुल गेम है। वैसे मुझे लगता है कि इस पूरी गेम में ये बर्फ वाला ही सिनारियो होगा, क्योंकि मैंने इसके जो PS5 के वीडियोस थे गेम प्ले के वो देखे थे, उसमें ज़्यादातर मैंने बर्फ़ वाला ही देखा है, सारे लोकेशन पे बर्फ़ ही गिरती होती है। तो मतलब ये विंटर का सीज़न है, उस सीज़न में ये गेम का पूरा ये लिया हुआ है सेटअप। ओहो, क्या गजब के ग्राफिक्स है इसके। वैसे मेरा ग्राफिक्स का रे ट्रेसिंग वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी फीलिंग तो ऐसी आ रही है जैसे कि रे ट्रेसिंग चालू ही है। Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Hey, अच्छा ये लोग स्पाइडरमैन की पेंटिंग बना रहे हैं, तो ये बोलता है कि वो दूसरे स्पाइडरमैन की भी बनाओगे? Thanks. कहते हैं कि बना देंगे उसकी भी, बच्चे की। Maybe leave a little room for the new guy, just in case. मेरी नज़र तो ये ग्राफिक्स पे सही नहीं हट रही इसके, जो ज़बरदस्त ग्राफिक्स है, जो डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। जो पार्टिकल्स है ये वैसे ग्राफिक्स पे काफ़ी इफेक्ट दे देते हैं ग्राफिक्स कार्ड पे, लेकिन
इसमें अभी मुझे कहीं दिख नहीं रहा इतना। ऐसा क्या हो गया? ओ अब असल एंट्री तो दिखाई इसकी। वो सो अब मुझे लगता है मेरे हाथ में आ गया। हाँ कंट्रोल अब मेरे हाथ में आ गया और जैसा कि मैंने सोचा था 60 अब FPS ही दे रहा है। 75-80 के पास चले जा रहे हैं FPS यहाँ तो। जैसे हाँ जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाऊँगा तो FPS कम हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन बहुत इतने भी कम नहीं कि गेम खेलने में दिक्कत आ जाए। सो पीटर का मैसेज आया हुआ है और कोई कान में जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने जाना है हमें सिक्योरिटी के तौर पे। कोई सुपर विलन को ले जा रहे होंगे तभी तो बुलाया, या कोई काफ़ी कीमती चीज़। इसे भी काफ़ी कॉल आएंगे, जिस तरह से पीटर को आते रहते थे माइल्स को भी कॉल ही कॉल आएंगे। उसका वेब स्विंग काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जब हम लोग रिमास्टर्ड पूरी ख़त्म कर लेंगे तब पता चलेगा कि इसे मकड़ी कैसे काटी थी। इसमें तो रिकैप में हमने देख लिया है कि इसे मकड़ी काटी, जब जाके ये ऐसा बन जाए इसके पास भी इसी तरह से पावर्स आ गए। मस्त वेब स्विंग का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, रिमास्टर से भी अच्छा है इसमें। और थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस किया हुआ है रिमास्टर से, रिमास्टर में जो था उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। Helping Spider-Man protect the giant prison convoy? You can handle this. Breathe in, breathe out. Be cool. So, पहुंच गए हमें जहां तक पहुंचना था, वहां तो पहुंच चुके हैं। वो You here? Just down in some rocket fuel. ओह आ गया पीटर भी। How are you? सो इस गेम में क्या ये दोनों देखने मिलेंगे? नहीं मुझे नहीं लगता, ये मुझे लगता है कि एक आदमी मिशन के लिए ही होगा पीटर। ओके तो यहाँ किसी को लेके जा रहे हैं। और क्या मस्त ग्राफिक्स है इसके, कमाल के ग्राफिक्स है। One of those guys who helped Doc Ock is in there? I think so. Could be Vulture, could be Scorpion. अच्छा वो उनमें से कोई भी हो सकता है तेरी। ना ये तो Vulture या Scorpion नहीं है भाई, इसके अंदर तो Rhino लगता है। अभी तो पूरा कंटेनर इतनी आसानी से हिला दे रहा है और इसका केबल भी तोड़ दिया इसने। अब हमारा मिशन शुरू होगा। अबे गया ये, स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन ने बचाया। तो जो कान में ले जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, वो तो गिर चुका है नीचे और इसमें राइनो को ही पूरा हुआ है और वो अब आजाद हो गया। Helix 2 is down. No casualties. Payload compromised. Response team dispatched. Sit tight, Helix 2. Pete, I'm sorry, man. I didn't mean to. It's okay. We got this. Just need to contain it before. ये निकलने वाला है बाहर। निकल चुका ये तो बाहर। पहला ही बॉस राइनो आ गया हमारे सामने। से टक्कर देना मुश्किल होगा। चलो पीटर तो उसके ऊपर बैठ चुका है और अब हमें क्या करना है, इसका पीछा करना है? नहीं हमारे लिए ये छोटे नमूने आ गए। अच्छा हमें इनसे थोड़ी मुक्कालात करनी है। वैसे ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए है, मतलब जिनकी हाथ अभी सेट नहीं हुए उन लोगों के लिए ही है। वैसे ये एक तरह का ट्यूटोरियल ही है कि किस तरह से इसमें की मैपिंग रहेगी। सबके सब उसी की तरह है जिस तरह से रिमास्टर में थी, लेकिन बस इसके थोड़े मूवमेंट अलग है। अबे आए पीछा, वापस आ गया और चला भी गया, एडवर्टाइज की तरह आके चला गया। लेकिन हमारे पास थोड़ी दिक्कत है,
ओके बस वही ट्यूटोरियल ही है ये एक तरह का। वैसे काफ़ी स्मूथ है वो स्पाइडर मैन रिमास्टर्ड में शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी खेलने में, थोड़ा स्लो चलता था, FPS तो देता था लेकिन कभी कभी स्लो हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कमाल की चल रही है, बिल्कुल स्मूथ, कोई लैग नहीं दिखा अभी तक, और फ्रेम ड्रॉप थोड़े बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं। वैसे आप लोगों को बता दूँ मेरा ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का GTX 1660 सुपर है 6GB, और प्रोसेसर है i5-9400F और गीगाबाइट का मदरबोर्ड है और 16GB रैम है, तो उसके अंदर भी ये बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स में चल रही है, तो कमाल की बात है बिल्कुल। अबे ये लोग तो भाग रहे हैं, अब क्या इनका पीछा करेंगे हम लोग? नहीं, वहाँ पे पीटर का भी मैसेज आ रहा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। लेके निकल गया। अब हमें पीछा करना है राइनो का। ओह, पूरे सिटी में तबाही मचा दी है राइनो ने। ओहो, क्या लॉन्ग जंप लगा इसने, पहला ही मिशन चेस करने वाला आ गया। वैसे राइनो का चेस मुश्किल नहीं होगा, वैसे ये दौड़ता काफ़ी तेज है और जंप भी काफ़ी लंबे मारा है और फेंक भी रहा है चीज़ें, फिर से उनसे बच के भी रहना है जो ये कुछ फेंकता है ऊपर। और ये उल्टा क्यों स्विंग करता है माइल्स? इसकी स्टाइल इसी तरह की, उल्टा स्विंग करता है, जिन कोई दीवार के अंदर चिपक जाएगा। राइनो ने वैसे तो काफ़ी तोड़फोड़ मचा दी है, फिर से फेंका कुछ। ओए तेरी, ओ ये कोई पार्किंग में घुस चुका है, और पार्किंग जैसे मुझे लगता है मॉल में घुस गया। भाई गेंडा दौड़वा रहा हूँ मैं, सर राइनो का मतलब गेंडा ही होता है। ओ हो, क्या डिटेलिंग है यार इसमें तो। ये भी अच्छा, इसके पोछे के ऊपर बैठ गया है और साथ साथ में इन्हें बचाना भी है। चलो बच्चे को तो सेव कर लिया, और कमाल का पंच मारा इसे। जिस तरह से लास्ट गेम में सबसे पहले किंग पिन के साथ आई थी फाइट, उसी तरह से इसमें राइनो के साथ आ गई पहला ही मिशन। और पीटर हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, लेकिन आगे ये नहीं तोड़ फोड़ के निकल गया। ओ जे जे जॉन जेना जेम्सन, इसके इंटरव्यू में खलेल होगी। ये गालियां दे रहा है दोनों को। फिर से चेस शुरू। पीटर कहाँ है? पीटर नहीं दिख रहा, शायद तो उसके ऊपर ही बैठा है पीटर, राइनो के ऊपर ही बैठा हुआ है। बिल्डिंग के अंदर से निकलना था हमें, मजा आ जाती। बच्चे वैसे पीटर को आंट मे का एमजे का कॉल आता रहता था, इसे इसकी मॉम का कॉल आता है। अब दोनों बैठ गए इसके पीठ पे। अरे ये तो ये केमिकल की टंकी में घुस जाएगा, ये गैस है, फ्लेमेबल गैस है, ये ब्लास्ट करवाएगा बड़ा। ओ तेरी, माइल्स तो काफ़ी दूर फेंका गया। अबे वो दौड़ा,
और राइनो निकल के भागा अंडर सोर्स। साला उसने तो सभी जगह बत्तियां गुल कर दी, ब्लास्ट कर दिया है हर जगह इसने। और ये भी कहां से आ गए फिर से, वो क्या सिनेमैटिक सीन लिया है। राइनो के साथ फाइट से पहले थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा है, जिससे कि मेरी उंगलियां भी थोड़ी खुल जाएगी। वैसे अब हमारी जो सब गेम्स चालू है प्लेइंग की, वो तो चालू ही रहेगी, इसके भी अब से आएंगे एपिसोड साथ साथ में। और रिमास्टर को तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। ये सब टिप्स और ट्यूटोरियल ही चल रहा है। पीछे बिल्डिंग में फायर देखी, गजब की थी, बिल्कुल रियलिस्टिक है। चलो ये तो खत्म हो गए, यहाँ पे भी है। अबे आया वो, फिर से आया, वो किसे फेंका इसने नीचे, वो चला भी गया। एडवर्टाइज की तरह आ जाता है, चला जाता है। पीटर और राइनो दोनों फाइट कर रहे हैं फिलहाल तो, और हम इन लोगों के साथ फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक अब फंसे रहेंगे, ये सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। चलो जाते हैं हम लोग पीटर की हेल्प के लिए। कहाँ चले गए दोनों? अबे ओ तेरी, क्या फेंका है पीटर को तो अंदर से इसने। और मुझे लगता है कि पीटर तो ये फाइट से नॉकआउट हो चुका है, इसकी हालत नहीं लग रही फाइट करने की। सो हमारी फाइट आएगी अब सीधी राइनो के साथ, वन और वन। पीटर की हेल्प नहीं मिलेगी, वो तो बेहोश हो चुका है। This one will do. So, कुर्सी की पेटियां बांध लो, अब राइनो के साथ हमारी फाइट आ चुकी है। और ये क्या हो रहा है, इसे इलेक्ट्रीफाइंग इलेक्ट्रो जैसा पावर आ गया क्या इसमें? ओहो, अरे एक ही पंच में राइनो को तो जमीन चाट्टा कर दिया, एक ही पंच में उसे पछाड़ दिया। 100 miles के पास थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, अच्छा इस तरह से ये एक्टिव होती है। और इसके लिए हमें अटैक करना होगा एनिमी पे और या तो उनसे बचना होगा, सो ये पावर एक्टिव हो जाएगी। ये कमाल का पावर है, ये काफ़ी काम लगेगा। ओ बचा, चलो हो गया फिर से एक्टिव। ले खा, तू भी खा। राइनो को इतने आसानी से मारूंगा ये सोचा नहीं था। वैसे अभी रिमास्टर्ड में हमारी राइनो के साथ फाइट नहीं आई, अभी वो मिशन हम पहुंचे नहीं है वहां तक। बच गया है, ये बच गया एक बार। अबे बहुत पड़ी मेरे को, वैसे ये माइल्स में भी पावर तो काफी है। जैसे जैसे इसके लेवल्स अपडेट होते जाएंगे ये काफ़ी पावरफुल हो जाएगा माइल्स, जिस तरह से हमने रिमास्टर में पीटर को कर दिया है, बहुत पावरफुल कर दिया है फिलहाल तो। नहीं, इसके ऊपर वेब शूटर्स कुछ काम नहीं करते, बस ये पावर ही ज़्यादा काम करती है इस पर। अबे क्या पछाड़ा बे, क्या डाल दिया इसे तो। ओहो, क्या सीन है, एक से एक सीन लिए हुए है इसमें। ये क्या हुआ? अच्छा तो डॉज करने का बता रहा था कि किस तरह परफेक्ट डॉज करना है।
पे पड़ी है। चल जल्दी जल्दी पावर रिफिल हो, जल्दी रिफिल हो जा। हो गई हो गई, अब दिखाता हूँ इसे, आ जा ले। हाँ, लेकिन रिमास्टर की तरह इसमें भी विलन का हेल्थ मीटर नहीं दिखाते, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि अभी और कितना लड़ना बाकी है ही विलन के साथ। एक सस्पेंस रखा हुआ है। चलो फिर से रिफिल हो गई है पावर, अब दिखाते हैं इसे। बहुत पड़ी राइनो को, बहुत मारा। मुझे नहीं लगता कि मैं रिमास्टर्ड में इतना आसानी से राइनो को हरा पाऊंगा जब भी फाइट आएगी, क्योंकि इसके पास ये जो इलेक्ट्रिक पावर आ चुकी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जल्दी रिफिल हो जाए, इतनी देर हो गई रिफिल हो गई। मुझे लगता है अब ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं अभी भी बचा हुआ है। इस बार जल्दी रिफिल हो चुकी है, अब इसे लेता हूँ दाव में, आ जा। अब तो खत्म हो, सो जा, नहीं फिर से खड़ा हो गया ये तो। अबे तेरी, काफी इसने तो हैरान परेशान करके रख दिया है, अब ख़त्म होना चाहिए। हाँ मुझे लगता है अब ख़त्म हो गया। अभी ये फिर से खड़ा हो गया, नहीं नहीं ये तो सिनेमैटिक सीन ही है सर। सो माइल्स ने अकेले नहीं ही राइनो को पछाड़ दिया पहले ही मिशन में, और पीटर को भी वैसा अब होश आ चुका है। और मुझे लगता है यहाँ कुछ नए कैरेक्टर की एंट्री होगी। सो ये सब सिनेमैटिक ख़त्म होता है, तो आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। ये मैंने एकदम ही बना दिया, जैसे ही मेरे पास गेम आई मैंने गेम प्ले कर दिया। सो अब इसके भी कंटिन्यूस आते रहेंगे। वैसे भी आज मैंने एक वीडियो तो डाल ही दिया है, लेकिन मैं आज एक और डालूंगा, यही माइल्स की मोरल्स की गेम प्ले का। Tear down for a build, but looks like you beat us to it. I wanted to thank you, both of you, taking down Rhino solo. You are going places, bud. Thanks, but he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill. So guys, अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया आप लोगों ने, तो उसे subscribe करो, video को भी like करो और bell icon को भी press कर लो। आपका support चाहिए, बस support दिखा दो। He's right. Let's clear out. Let the police do their job. चलो हमारा काम तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, और आज का video भी बिल्कुल end पे आ चुका है। अभी देखते हैं आगे क्या आता है, ये गेम सेव करने का मौका आ जाएगा, उसके बाद हम आज का एपिसोड एंड कर देंगे। क्या कमाल के ग्राफिक्स दिख रहे हैं दोनों के, बहुत मस्त है और बढ़िया यार, मजा आ गया ग्राफिक्स में तो। 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं इसे। MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? So Peter ने इसे कुछ प्रेजेंट दिया है। You gotta take the oath. प्रेजेंट क्या है वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को भी लाइक करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा प्रेजेंट क्या है, और आप लोग क्या गेस कर रहे हैं क्या हो सकता है प्रेजेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे।
सो ठीक है गाइस, अब ये इनकी बातचीत खत्म होते ही मुझे लगता है कि सेव करने का मौका मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे एपिसोड एंड कर देंगे। मिलते हैं हम जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। I'm New York's only Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. Please don't screw this up.